दस दिन तक ससुराल में परेशान हो जाओगे और या तो ये घर में आकर के हजार ताने सुनेगी, हजार बातें सुनेगी। और कभी कभी ऐसा होता है जब पति ऑफिस से घर पे आए ना, तो ऐसे पत्नी पर झुंझलाएगा, ये लगता है जैसे सारा काम यही करता है। अब उसे क्या पता कि तू इतना काम बाहर करके नहीं आता, उससे ज्यादा काम ये घर में करती है। इनकी बिना पैसे की नौकरी है, सुबह से शाम तक काम करते ही करते सो जाएं, घर वाले ये नहीं पूछते कि थक गई है अब तू आराम कर ले। और कहीं संडे पड़ गया ना, रविवार, और पति घर पर रुक गया, तो पति के लिए तो कोई काम नहीं है, तो पति एकदम बोलेगा समझ में नहीं आता तेरे, अरे मैं आज घर पे हूं तो और ज्यादा फरमाइश है, आज पकौड़ी बना, कचौड़ी बना और डोसा बना, बर्गर बना, ये सब अजीब, उसका चौगुना नहीं दस गुना काम बढ़ जाता है पत्नी का। सुबह से शाम तक इतना काम करती है, एक बार प्यार से जितना गुस्सा तुम्हें आता है ना, उतना गुस्सा उसे भी आता है, लेकिन वो बोल नहीं सकती। सम्मान करना सीख लो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि थप्पड़ चाहे अमीर को लगे या गरीब को, चोट तो दर्द तो बराबर ही होता है ना। चाहे तुम अमीर, अब ऐसा नहीं है कि गरीब तो रोज ही पिटते हैं तो उन्हें कौन सा दर्द होगा। थप्पड़ चाहे अमीर के मारो या गरीब के, दर्द तो बराबर ही होता। काम आप भी करते हो, उससे ज्यादा काम ये घर में करती है। अब तुम गुस्सा घर वहां से आके इन पे उतार ले तो ये बेचारी अब क्या करे, बच्चों पे ही उतारनी पड़ेगी। जब कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात तो वही आ जाती है। एक दुकानदार ने अपने जो दुकान पे काम करता था उसके किसी गुस्से में थप्पड़ मार दिया सेठ ने। अब जो वो काम करता था वो सेठ से तो कुछ कह नहीं सकता, तो वो गुस्से में एकदम आग बबूला होके घर पे पहुंचा। घर पे पत्नी बैठी थी, उसने कोई गलती भी नहीं की, तब भी जाकर के तार से तमाचा दिया। अब पत्नी पति से क्या बोले, पति से तो कुछ कह नहीं सकती। तो पत्नी ने आ देखा ना, ता बड़ा लड़का बैठा था उसमें लगा दिया। अब बड़ा लड़का बेचारा क्या करे, उसे कोई मिला नहीं। जब मिला नहीं तो उसका छोटा भाई बैठा था, उसने इधर उधर देखा और छोटे भाई में जमा दिया। अब छोटा भाई बेचारा क्या करे, अब घर में सब बड़े हैं, वो बेचारा अकेला, वो कुसे मारे, अब गुस्सा तो उतारनी है। तो छोटे भाई ने कुत्ता बैठा था, डंडा उठाया, कुत्ते में ताड़ से मारा, कुत्ता वहां से भागा और भाग करके जिस सेठ ने उस भैया के थप्पड़ मारा था उसी सेठ को जाकर के काट लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जहां से शुरू हुआ वहीं पे किस्सा खत्म हुआ। ये मत सोचो कि मैंने कोई काम कर लिया, मैंने कुछ किया है तो इसका फल मुझे मिलने वाला नहीं है, आज नहीं तो कल वो तो मिलना ही है। कुछ दिन लगेंगे या कुछ महीने लगेंगे, कुछ साल लगेंगे, लेकिन मिलना तो ये कलयुग है भाई। टाइम लगेगा लेकिन परिणाम अवश्य मिलेगा। इसलिए बेटी हो या बहू हो, घर में सम्मान देना चाहिए, क्योंकि नकली धनवानों की पहचान होती है खोगा और पेटी। नकली धनवानों की पहचान होती है खोगा और पेटी, और असली धनवानों की पहचान होती है जिसके घर में सुखी हो बहू और बेटी। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां। एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। हर माँ बाप, पिता जब होता है ना घर में, उस पिता को तब इतना कष्ट नहीं होता जब उसकी बेटी बिना शादी के घर में रोए। शादी जब तक ना हो और बेटी घर में रोए तो दर्द नहीं होता भैया इतना।
समझा लेगा। लेकिन बेटी को जैसे ही डोली में बिठाया और पराए घर जाकर के बेटी की आवाज अगर रोने की सुन ली तो पिता का दर्द फिर उसे कोई समझाने वाला नहीं है। यहाँ भले ही कुछ झेल ले, कुछ कर ले, लेकिन पराए घर जाकर के बेटियों की आंखों में आंसू बाप नहीं देख सकता। वो खुद ही अपनी बेटी को भेजते और एक ही बात कहते कि लाडो चाहे अपनी जिंदगी गुजार लेना, चाहे पति तुझे शराबी मिले या कबाड़ी मिले, चाहे जैसा भी हो, लेकिन हंस के जिंदगी काट लेना। एक बाप अपनी बेटी से कहता है कि लाडो मेरी लाज बचा।